सो गाइस कि आप लोगों का भी कॉलिंग के समय डिस्प्ले का लाइट ऑफ हो जाता है और आप लोगों ने काफ़ी सारा वीडियो यूट्यूब पे देख लिया है लेकिन आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, तो आप लोग इस वीडियो को देख लीजिए क्योंकि आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग का जो कॉलिंग का प्रॉब्लम है ना, वो मैं 100% आपका सॉल्व करवा दूँगा। अब दोस्तों, काफ़ी लोगों का ये कहना है कि जो सेटिंग है यूट्यूब पर बताया जाता है प्रॉक्सिमिटी सेंसर का, वो सेटिंग हमें मिलता ही नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊँगा कि आप लोग किस प्रकार से उस सेटिंग को फाइंड कर सकते हो और साथ में अब मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आखिर ये प्रॉब्लम आप लोग कैसे फिक्स कर सकते हो और आप लोगों का ये प्रॉब्लम है आखिर ये प्रॉब्लम क्यों आता है और कैसे आता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, ये प्रॉब्लम आने का क्या रीज़न है मैं आपको ये बताऊंगा और साथ में मैं आपको ये भी बता देता हूं कि आप लोगों को सॉल्व कैसे करना है। लेकिन वीडियो को इसके लिए आपको करना क्या कि वीडियो को फुल वॉच करना है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये प्रॉब्लम आने का रीज़न क्या होता है। तो ये प्रॉब्लम आने का जो रीज़न होता है वो 2 से 3 रीज़न होता है दोस्तों, और जो कि आपको ध्यान से देखना होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा और समझ गए आप लोग, तब फिर आप लोगों के साथ ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगा कि आपको जो कॉलिंग के समय जो डिस्प्ले का लाइट है या वो क्या वो जो है ऑफ हो जाता है या फिर जो है ब्लैक हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आती है। अगर आप लोग इसे ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आखिर रीज़न क्या है। तो यहाँ पर जो दोस्तों मैं रीज़न बताने वाला हूँ, वो पहला रीज़न ये है कि अगर आप लोग जो है इस डायल पैड से कॉलिंग करते हो, अगर आपने इसमें कोई सेटिंग में कोई छेड़खानी की है, तब ये प्रॉब्लम आपके साथ आ सकती है कि आपको जो कॉलिंग के साथ है वो प्रॉब्लम आ सकती है। कॉलिंग के दौरान आपका जो डिस्प्ले का लाइट है वो ऑफ होता है। लेकिन दोस्तों, ये कम ही रीज़न होती है इस सेटिंग की वजह से, लेकिन जो ज़्यादातर जो रीज़न होती है वो रीज़न होती है आपकी प्रॉक्सिमिटी सेंसर से। ठीक है, तो ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर से ही आपको जो ज़्यादातर प्रॉब्लम है वो आपके साथ आता है। अब अगर आपको पता नहीं है कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर क्या होता है, तो मैं आपको अभी डिटेल में बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, हर एक डिवाइस में एक प्रॉक्सिमिटी सेंसर लगी होती है। अगर आप लोग कॉलिंग पे कहीं भी बात करते हो और अपने ईयर के पास अगर आप लोग अपने फ़ोन को ले जाते हो, तो आपका फ़ोन जो है ऑटोमेटिक बंद होता है, और जैसे आप लोग दूर करते हो उसके बाद आप लोग देखना कि आपका जो लाइट है वो ऑन हो जाता है। ये क्या होता है, ये जो है एक न्यू फ़ोन में होता है, आप लोगों को देखने को मिलता होगा, लेकिन आपके साथ जो है ये प्रॉब्लम हो रही है कि आपका कॉल करते समय ही ऑफ हो जाता है। ठीक है, और जब डिसकनेक्ट करते हो कॉल को तभी ऑन होता है। अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम आ रहा है तो आप लोग इसे इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो इसे सॉल्व करना काफ़ी इजी है, तो मैं आपको बताता हूँ। सिंपल सा आपको करना क्या है कि आपको जो है यहाँ पे आपको डायल पैड को ओपन करना है। तो मैं यहाँ पर डायल पैड की सेटिंग को मैं ओपन करता हूँ आपको दिखाने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पे जो है डायल पैड ओपन कर चुका हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है 3 डॉट का, तो आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन मिलता है, आपको सेटिंग पे क्लिक करना है नीचे में। उसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन आपको खुल के आ जाएगा जहाँ पे आपको लिख के आ रहा होगा कॉल स्क्रीन सेटिंग का। तो दोस्तों, ये जो सेटिंग आपको दिख रहा है ना, ये जो सेटिंग आपको दिख रहा है कॉल स्क्रीन सेटिंग का, आपको यहाँ पर प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है टर्न ऑन प्रॉक्सिमिटी सेंसर का। अब क्या करना है कि ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है ना, ये ऑप्शन को जो है यहाँ से टिक आउट जो है हटा देना। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे टिक आउट को हटा दिया है, आप देख सकते हो टर्न ऑन प्रॉक्सिमिटी सेंसर, मतलब मैंने टिक को यहाँ से हटा दिया है। अब आपके साथ जो प्रॉब्लम आ रही थी प्रॉक्सिमिटी सेंसर की, वो प्रॉक्सिमिटी सेंसर का जो प्रॉब्लम है वो आपके साथ बिल्कुल भी नहीं आएगा, प्रॉब्लम नहीं फेस होगा आपका। ठीक है, मतलब इसके बाद आपका जो प्रॉब्लम है वो 100% सॉल्व हो जाएगा। आप लोग कहीं पर कॉल करते हो, किसी के पास भी कॉल करोगे, तो आपका जो डिस्प्ले का लाइट है वो ऑफ नहीं होगा। तो भाई लोग, वीडियो को अंत तक देख रहे हो आप लोग, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा ताकि जिनके साथ भी ये इशू आ रही है वो सॉल्व हो सके। तो बस इतना ही वीडियो में।